हम 4 जने मामा जी ऊण मंदिर वहाँ गए थे। मैं, गुलाब सिंह, नवीन चौहान और अशरफ खान, हम वहाँ मामा जी ऊण दर्शन करने के लिए गए थे। और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के हम वहाँ बैठे थे, तभी गुलाब सिंह के 2 दोस्त जितेंद्र सिंह राव पुत्र जबर सिंह राव और नरपत सिंह राणा राजपूत पुत्र हिम्मत सिंह राणा राजपूत वहाँ पे आए। और वो दारू के नशे में धुत थे। उन्होंने गुलाब सिंह के साथ गाली गलौज चालू की, जिसमें मैंने उन्हें बोला गाली गलौज मत करो। तो बीच में उसने कहा तू कौन होता है गाली गलौज, मतलब हमें रोकने वाला। तो फिर मैंने उनसे कहा कि गाली गलौज करके किसका फायदा। तो वहाँ से चले गए और हम वहाँ से जाने के लिए आधे घंटे बाद जाने लगे, तो वो उनके मित्र के साथ 3 जनों को लेके वो 5 जने वहाँ पे आए, जिसमें 3 जने दिलीप वैष्णव पुत्र बद्रीदास वैष्णव और पिंटू उर्फ जीतू माली पुत्र लहराम माली और ये हेम सिंह पुत्र रूप सिंह, ये 5ों जने वहाँ पे आए और मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जाति जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और उसमें वीडियो उन्होंने बनाया। और यही वहाँ से फिर कैसे भी करके मैं वहाँ से भाग के बच के मेरे घर आ गया उसी शाम को। ठीक, तो आप बैठे क्या मंदिर के अंदर थे? मंदिर के अंदर नहीं बैठे थे, मंदिर के अंदर दर्शन करके वहाँ जो भी प्रसाद चढ़ा के फिर हम बाहर की तरफ, एक पेड़ था उसके नीचे बैठे हुए थे। अच्छा, उनके बीच मारने की वजह उन्होंने कोई बताई क्या? मारने की वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि तूने बीच में क्यों बोला और तू बहुत गाली गलौज की और जाति सूचक वर्ड बोले कि ढेर है, तू मेघवाल है, तू हमसे ऊंची आवाज में कैसे बात कर रहा है, बहुत उन्होंने गलत किया। इस वजह से वहां से कैसे ही बच के मैं वहां से निकल के आ गया। मेरे प्रसाद चढ़ाने के लिए मेरे को साथ में लेके गया था गुलाब सिंह का गैरेज, जब आप बैठे थे तो उन्होंने कहा प्रसाद चढ़ा गया था, इस वजह से हम गए थे, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं था जाने का। अच्छा सर, अब वो गुलाब सिंह आपके पहचान में थे? हाँ, गुलाब सिंह मेरा बचपन का मित्र है। मंदिर में आने जाने का कोई विवाद? कोई मंदिर में आने जाने का विवाद नहीं था, उसने बस ये रोका कि तू ढेड़ है, बीच में कैसे बोला, हम मित्र हैं, बीच में गाली गलौज करने से कैसे रोक रहा है, बस ये बोला था उन्होंने।